हेलो फ्रेंड, दिस इज राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट्स आईएस। अभी हम हिस्ट्री की क्लासेस चला रहे हैं और हिस्ट्री की क्लासेस में भी हम पढ़ रहे हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के जो भी स्रोत हैं, जहां से भी हिस्ट्री का डेटा आया हुआ है, और उस डेटा में भी हम अभी साहित्यिक डेटा को देख रहे हैं कि लिखित इतिहास कहाँ कहाँ से हम उठा रहे हैं, कहाँ कहाँ से उठाया गया है भारतीय इतिहास के बारे में, तो उन्हीं सबको अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कि धार्मिक साहित्य है और गैर धार्मिक साहित्य है। तो धार्मिक साहित्य में तीन धर्मों के साहित्य हैं, हिंदू धर्म का साहित्य, बौद्ध धर्म का साहित्य और जैन धर्म का साहित्य। तो आज हम हिंदू धर्म के साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये जो सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे, ये सिर्फ इसमें क्या क्या है और कहाँ कहाँ पे, मतलब कि क्या क्या डेटा लिया गया इतिहास में, सिर्फ बेसिक लेवल पढ़ेंगे। लेकिन बाद में जब वैदिक साहित्य हम पढ़ेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों को दोबारा अच्छे से डीप में एक एक चीज़ को समझ के अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी बेसिक लेवल पे हमें ये जानना जरूरी है कि इसमें मेन मेन कंटेंट क्या है। तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन यहाँ से भी फंसते हैं, यहाँ से भी आते हैं कई फैक्चुअल क्वेश्चन, सिंपल आएंगे, हम करके उसको समझ लेंगे, अभी देखेंगे उसको। ठीक है, तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदू साहित्य में क्या क्या डेटा लिया गया है। तो हिंदू साहित्य में बात की जाए तो हिंदू धर्म विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्मों में एक माना जाता है, और इस धर्म की कई ग्रंथ बहुत पुराने समय से देखी जाते हैं, बहुत पुराने ग्रंथ हैं, और समय समय पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, बहुत से ग्रंथ लिखे गए। तो मेनली उन्हीं ग्रंथों के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं उन ग्रंथों के बारे में। तो पहले नंबर पे आता है वेद। ठीक है, वेद क्या है? वेद हिंदू धर्म में सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, और आज भी जो भी कई कार्यक्रम होते हैं तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्टार्ट किए जाते हैं। तो वैदिक मंत्रोच्चार कहाँ से आता है? इन्हीं वेदों से आता है। तीन वेदों के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इन वेदों के बारे में बात करें तो चार प्रकार के वेद हैं। टोटल कितने हैं? चार। चार वेदों में कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें सबसे प्राचीन जो है वो है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन है ये, विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। और इसकी रचना टाइमिंग जो है वो दी जाती है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी, बिफोर क्राइस्ट। मैंने बताया था इसके पहले के वीडियो में बीसी और एडी क्या होता है। बीसी मतलब जो ईसा मसीह जन्म के पहले का है, बिफोर क्राइस्ट, और इसके अलावा होता है एडी जो ईसवी होता है, ईसा मसीह जन्म के बाद। ठीक है, तो अभी बीसी की बात कर रहे हैं, मतलब ईसा के जन्म के करीब 1500 साल से 1000 साल पहले के बीच में लिखा गया था, मतलब कि करीब 3500 साल से 3000 साल के बीच में, आज से 3500 साल पहले लगभग। तो इसमें है क्या क्या, पहले देख लेते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में है ऋचाएं। ठीक है, ऋचाएं है इसमें। ऋचाएं क्या है? ऋचाएं मतलब मेनली ये देवताओं की स्तुतियां हैं, देवताओं के, मतलब कि देवताओं की पूजा अर्चना कैसे की गई है स्तुतियों के द्वारा, उसके बारे में बात की गई ऋग्वेद में। यजुर्वेद, यजुर्वेद में मेनली यज्ञों के विधान के बारे में बताया गया है,
यज्ञ के नियम क्या होते हैं, यज्ञ के विधान कैसे होते हैं, इन सब की जानकारी यहाँ से मिलती है यजुर्वेद से। तो इसको याद ऐसे जैसे ऐसे रख सकते हैं, या से यज्ञ भी है और या से ही यजुर्वेद भी, ठीक है। अब सामवेद को लेते हैं, तो सामवेद में अब यज्ञ होगा, तो यज्ञ में कुछ प्रार्थनाएं और कुछ मंत्र भी गायन होंगे। तो वो मंत्र कहाँ से आते हैं, वो आते हैं सामवेद से, ठीक है। और चौथा है, अच्छा इन तीनों को एक चीज बोला जाता है, इन तीनों को एक साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जब आगे वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, तो वहां पे इन तीनों को डीप में पढ़ेंगे, वहां पे भी बताऊंगे। लेकिन अभी जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इन तीनों को एक साथ एक नाम से बोला जाता है, वो है वेद त्रयी, ठीक है, वेद त्रयी बोला जाता है इन तीनों को सम्मिलित रूप से। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है, जहां पे ये तीनों वेद परलोक के बारे में बताते हैं, ये वेद इस लोक के बारे में बताता है, मतलब कि मानव जीवन के लिए जो इसी लोक में कल्याणकारी साधन हो, कल्याणकारी वस्तुएं, उनके बारे में बताता है। जैसे इसकी विषय वस्तु इन तीनों से बिल्कुल अलग है, इसमें है भूत पिशाच, तंत्र मंत्र, जादू टोने, औषधियों, दवाइयां, मेडिसिन, ठीक है, औषधियां, और इसके अलावा किसी को कीटों से कैसे बचाएं, ये सब आता है इसमें, ठीक है, ये सब आता है अथर्ववेद में, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों में अलग प्रकार की चीजें हैं और इसमें अलग प्रकार की। दूसरे नंबर पे आता है ब्राह्मण ग्रंथ। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वेद हमने बता दिया क्या है, तो वेद संस्कृत में लिखे गए हैं और वेदों में जो बातें लिखी गई हैं थोड़ा जटिल प्रकार पे हैं, आम आदमी उसको नहीं समझ पाता था, तो उसी के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, ठीक है। इसको ऋषि मुनियों ने लिखा है, ठीक है, इसमें पूजा पाठ कर्म कांड के विधि विधानों को बताया गया है, ठीक है, यज्ञ आदि के विधि विधानों को भी बताया गया है कि कैसे कर्म कांड किए जाते हैं, ठीक है। और ये ब्राह्मण ग्रंथ इन्हीं वेदों के सरल रूप हैं, ठीक है। वैसे तो कई ब्राह्मण हैं, हालांकि ये ब्राह्मण वो वाला ब्राह्मण नहीं है जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्णाश्रम की व्यवस्था थी, वो वाला ब्राह्मण नहीं। यहाँ ब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। वैसे तो कई ब्राह्मण है, लेकिन मेनली जो सबसे ज्यादा नाम आता है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण और सतपथ ब्राह्मण, ठीक है, सतपथ और ऐत्रेय, ये सबसे ज्यादा नाम आते हैं इन दोनों के। इसके बाद आता है आदरणक, ठीक है, आदरणक, ठीक है, आदरणक में जिस शब्द से बना है ये शब्द वो है आदरण, ठीक है, आदरण। इसका क्या मतलब है, वन, वन मतलब जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब कि ये ऐसे ग्रंथ है जो जंगल में रहकर महान ऋषि मुनियों के द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है, ये ग्रंथ जंगल में ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं। और इन ग्रंथों में आध्यात्म की चीजें हैं, ठीक है, इन ग्रंथों में आध्यात्म की विषय वस्तु है। और इन चीजों में हम ये देख सकते हैं कि ये चीजें जंगलों में लिखी गई हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये हर एक वेद से अलग अलग आदरणक जुड़ा हुआ है, मतलब कि आदरणक भी वेदों से ही बने हैं, इससे ही ये जुड़े हैं, ठीक है। ऋग्वेद का भी आदरणक है, यजुर्वेद का भी है, सामवेद का है,
अथर्ववेद का आधारक नहीं है, ठीक है। तीनों के आधारक हैं अपने में, लेकिन अथर्ववेद के नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों एक 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 है, ज्यादा है, ठीक है। डीप में हम तब बताएंगे जब वैदिक साहित्य पढ़ेंगे। अभी इतना जान लीजिए आधारणक क्या है। आधारणक जंगल में लिखे गए विषय वस्तु की पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, जो वेदों पर ही, वेदों से ही संलग्न है, जुड़े हुए हैं, और अलग अलग वेदों से अलग अलग आधारणक जुड़े हुए हैं, लेकिन अथर्ववेद ऐसा वेद है जिससे कोई भी आधारणक नहीं जुड़ा हुआ है। आधारणक में जैसे मान सकते हैं एक नाम आता है विधिदारणक के, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अलग नाम में वृहद आधारणक, ठीक है, वृहद आधारणक। वेदांग है, वेदांग मतलब वेद प्लस अंग, मतलब वेदों का अंग, ठीक है, जिसे ब्राह्मण ग्रंथ। अच्छा आधारणक में एक चीज और बता देता हूँ, ये सामान्य विषय वस्तु का नहीं है। जैसे ये सरल है, वेदांग भी बताऊंगा ये भी सरल है, लेकिन आधारणक ये सरल विषय वस्तु के नहीं है, ये जटिल विषय वस्तु के ग्रंथ है, ठीक है। वेदांग भी सरल है, जैसे वेद की जो गुण बातें हैं बहुत ज्यादा जटिल चीजें हैं, वो आम आदमी को नहीं समझ में आ रही, तो उसके लिए वेदांग की रचना की गई है। सरल चीजों में समझाया गया है, सरल शब्दों में, वेदांगों में। और छह वेदांग है टोटल, शिक्षा, जगह नहीं है लिख दे रहा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, पांच हो गए, और छठवा निरुक्त, पांच एक छह, टोटल छह वेदांग है। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद की विषय वस्तु दार्शनिक है, ठीक है, और ये वेदों के अंतिम भाग है, इसलिए इनको वेदांत बोला जाता है। वेदांग और वेदांत अलग है, ठीक है। वेदांत अगर कहीं पर बोला जाए तो वेदांत का मतलब उपनिषद हो जाता है, ठीक है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ये होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। ये दार्शनिक विषयों के ग्रंथ हैं और इसमें आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को दिखाया गया, आत्मा और ईश्वर, ठीक है, आत्मा और ईश्वर के बीच का संबंध दिखाया गया है इन ग्रंथों में। ये दार्शनिक ग्रंथ है। भारत में दार्शनिक ग्रंथों में, दर्शन शास्त्र के ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर माने जाते हैं वो उपनिषद ही है, ठीक है। इनकी जो टोटल संख्या है वो है 108, ठीक है, 108 उपनिषद है, जिसमें से मेनली है कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, इसके अलावा मुंडक है, ठीक है, और भी है, टोटल 108 है, मेनली यही है, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ठीक है। अगले है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य में सूत्रों का संबंध मनुष्य के व्यवहार से है, मतलब कि मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, मनुष्य के सामाजिक नियम क्या है, समाज के प्रति क्या व्यवहार दर्शाना है मनुष्य को, इन सब चीजों की जानकारी सूत्र साहित्य में दी गई है, ठीक है। इसमें मनुष्य के जीवन, उसके सामाजिक नियम, उसके व्यवहार, समाज के प्रति कर्तव्य,
वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। ये मेनली तीन है, स्रोत गृह और धर्म। ठीक है, मतलब कि स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र तीन है। अब इसके बाद देखते हैं स्मृतियां हैं। स्मृतियां मतलब ये मनुष्य के जीवन की, पूरे जीवन की ये विवेचना करता है, बताता है कि मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। हिंदू साहित्य में इन ग्रंथों को, स्मृतियों को हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ, धर्मादेश कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको धर्म, एक तरह धर्म का कानून समझा जा सकता है स्मृतियों को। ठीक है, और ये वेदों की अपेक्षा कम जटिल है। जैसे वेदों के बारे में बताया, ये संस्कृत भाषा में है, इसमें श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है सामान्य आदमी के लिए। लेकिन स्मृतियाँ जो हैं सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई हैं, इसमें कहानियाँ हैं, उपदेश हैं, ठीक है, संक्षेप में चीज़ों को दिखाया गया है, तो ये आम जन के लिए होती हैं। ठीक है, और स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृतियां दो हैं, एक है मनुस्मृति और दूसरा है याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति पे तीन लोगों ने टिप्पणियां लिखी हैं, कमेंट लिखे हैं। तीन लोग हैं, मेघ तिथि नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 है कुल्लूक भट्ट, और नंबर 3 है गोविंद राज। ठीक है, मेघ तिथि, गोविंद राज और कुल्लूक भट्ट ने मनुस्मृति पर टिप्पणियां लिखी हैं, और याज्ञवल्क्य स्मृति पर भी कुछ लोगों ने टिप्पणियां लिखी हैं। उनके नाम है विश्वरूप, अपराग और विज्ञानेश्वर। ठीक है, तीन लोगों ने इस पे भी लिखा है। मैं फिर से नाम रिपीट कर दे रहा हूँ। मनुस्मृति में टिप्पणी लिखने वाले मेघ तिथि, कुल्लूक भट्ट और गोविंद राज, और याज्ञवल्क्य स्मृति पे लिखने वाले हैं अपराग, विज्ञानेश्वर और विश्वरूप। ठीक है, यहाँ जगह कम बची इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिखना चाहे तो मैं मुझ बोल दे रहा हूँ, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, स्मृतियों के बाद आते हैं इन ग्रंथों की, रामायण, महाभारत और पुराण। ठीक है, रामायण और महाभारत हिंदू धर्म के दो सबसे बड़े ग्रंथों माने जाते हैं, और रामायण की रचना अधिकतर लोगों को पता होगी, नहीं पता तो बता दे रहा हूँ। इसको लिखा गया है आदि कवि वाल्मीकि ने। ठीक है, आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा है रामायण को। स्टार्टिंग में इसमें 6,000 श्लोक थे, कितने, 6,000, बाद में बढ़ना शुरू हुआ तो बाद में पहुंच गए 12,000, फिर से बढ़ना शुरू हुआ तो बाद में लास्ट में पहुंच गए 24,000, 24,000। ठीक है, आप देख सकते हैं 6,000 थे, फिर 12,000 हुए, फिर 24,000, तो इसमें टोटल 24,000 श्लोक बाद में हुए, इसलिए इसको बोला जाता है, एक और नाम दे दिया गया चतुर्विंशति सहस्री ग्रंथ। ठीक है, चतुर्विंशति सहस्री ग्रंथ। चतुर्विंशति का मतलब 24 और सहस्र का मतलब 1,000, मतलब कि ऐसा ग्रंथ जिसमें 24,000 श्लोक। ठीक है, दूसरा है महाभारत। महाभारत के बारे में ये कहा जाता है कि ये माना जाता है कि ये मेनली विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में इसका नाम आता है, लेकिन माना जाता है कि ये सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि
इसके अलावा जो दूसरे सबसे बड़े महाकाव्य कहे जाते हैं तो यूनान के हैं, इलियड और ओडिसी, जो अभी उपलब्ध महाकाव्य हैं। महाभारत के अलावा जो तो और बहुत बड़े महाकाव्य हैं वो इलियड हैं, ओडिसी हैं, ये यूनानी हैं, ग्रीस के, ठीक। लेकिन ये दोनों महाभारत से काफी छोटे हैं, इसलिए माना जाता है कि महाभारत ही विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है, लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, लार्जेस्ट एपिक, सबसे लंबा महाकाव्य महाभारत। महाभारत जब लिखा गया था तो स्टार्टिंग में इसमें 8800 श्लोक थे, कितने, 8800। उस समय इसको बोला जाता था जय संहिता, बाद में इसमें हो गए 24,000 श्लोक, कितने, 24,000। तो इसका नाम कर दिया गया भारत, और फिर जब बाद में 24,000 से 1,00,000 हो गए बढ़ते बढ़ते, तो इसका नाम कर दिया गया महाभारत, ठीक है। पहले जय संहिता था, फिर 24,000 श्लोक होने पे भारत लिख इसका नाम हो गया, और जब 1,00,000 श्लोक हो गए तब महाभारत नाम हो गया, ठीक है। और महाभारत का रचयिता वेद व्यास जी को माना जाता है, ठीक है, वेद व्यास जी को कहा जाता है, और वेदों का संकलन करता भी वेद व्यास को ही कहा जाता है। कृष्ण द्वैपायन उनका असली नाम था, कृष्ण द्वैपायन। उनको वेद व्यास कहा जाता है वेदों का संकलन करने के कारण। लास्ट में आता है पुराण। तो पुराण जो है ये मेनली सृष्टि और मनुष्य के ऋषि में और सृष्टि के बारे में जानकारी देता है, मनुष्यों के बारे में जानकारी देता है, इसके अलावा ऋषि मुनियों के बारे में जानकारी देता है, और जो प्राचीन भारत में वंशावलियां थी, पुराने जो राजा महाराजा थे उनके जो वंश चल रहे थे उनके बारे में भी जानकारी देता है पुराण, ठीक है। और पुराणों का नाम पुराण इसलिए है क्योंकि इसमें पुरानी कहानियां हैं, पुराने आख्यान हैं, इसलिए इसका नाम पुराण है। और पुराणों की जो टोटल संख्या है वो है 18, ठीक है, और इनमें से मेनली है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, ठीक है। और इसकी रचना जो मेनली हुई थी, पुराणों की रचना माना जाता है करीब 500 BC में मानी जाती है, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के करीब 500 साल पहले माना जाता है कि इसकी रचना हुई थी पुराणों के। और अलग अलग पुराणों में अलग अलग वंशावलियों की जानकारी भी मिलती है, जैसे मत्स्य पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण में जानकारी मिलती है सातवाहन वंश की, और अगर वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण में जानकारी मिलती है गुप्त वंश की, ठीक है। तो ये मेन कंटेंट है आपके हिंदू साहित्य का, जहां से जानकारी मिलती है भारत के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए, ठीक है। तो ये आपने आज पढ़ लिया है हिंदू साहित्य, अगले क्लास में हम बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।